एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। तो गाइस, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। सीबीएसई ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। अब जो रास्ते का पत्थर बना हुआ था सीबीएसई, इसको लेकर पूरी तरह हटता हुआ नजर आ रहा है। और आप तो यहाँ पर बात साफ है कि अब आपके एग्जामिनेशन जो कैंसिल होने वाले हैं उस पर एक पूरी तरह मोहर लग जाएगी 14 तारीख को, और हो सकता है आपके फेवर में रिजल्ट आने वाला है। बिकॉज उसके रीजन से यार वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना ताकि आपकी जो क्वायरी है वो रिजॉल्व हो पाए और आज की जो अपडेट है आपको मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग के जितने भी हम सभी यूट्यूबर्स ने मिलके, आप सभी बच्चों ने मिलके जो प्रयास किया यूट्यूब पर, चाहे वो ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर, लाइव सेशन में जाके कमेंट करना, मैसेज करना, ट्वीट करना, रिट्वीट करना, पिटीशन फाइल करना, पीआईएल दायर करना, इससे सीबीएसई पूरी तरह डर गया। एक प्रकार से देखी जाए सीबीएसई ने अपना रुख पूरी तरह क्लियर कर दिया। अब पहले जहाँ सीबीएसई ये बात कह रहा था कि अगर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होते हैं तो उसका असर सीधे बच्चे की एकेडमिक करियर पर पड़ेगा, तो ऐसा यार नहीं है। एक्चुअल में देखी जाए बात, जितनी भी बात सीबीएसई ने यहां पर कही, चाहे जेई मेंस की बात की हो या फिर किसी और एग्जामिनेशन की, बिकॉज आप सभी को पता है यार कैसे है? जब कोविड-19 के चलते दिल्ली गवर्नमेंट ने अपील करते हुए सीधे डायरेक्टली मनीष सिसोदिया सर ने यह कह दिया कि एग्जामिनेशन सभी कैंसिल होंगे, और इस पर हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी थी। उसके बाद में सारे एग्जामिनेशन सीबीएसई कैंसिल हुए और बच्चों को एवरेज मार्क्स देकर पास किया गया। और यार एक और बात, यहाँ पे सीबीएसई ने जो कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीबीएसई ने अपनी ओर से पूरी तरह रुख क्लियर कर दिया। सीबीएसई ने कहा है कि अब जो भी फाइनल डिसीजन है सुयोमोटो कॉग्नाइज के बेसिस पे, जो सुप्रीम कोर्ट है वो तय करेगी कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने हैं या नहीं। तो यार समझ रहे हो, आप सभी का जो दबाव बना है ट्विटर पर, तो उससे सीबीएसई ने पूरी तरह अपना रुख साफ करते हुए ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, अब हम इस पर कोई बात नहीं कहना चाहते। और एक, क्योंकि आप सभी को पता है, चाहे आप हेल्पलाइन नंबर ट्राई कर लो या फिर आप सीबीएसई में कंप्लेन करो, इतनी जल्दी आपको रिप्लाई नहीं मिलता। लेकिन सीबीएसई ने जिस प्रकार से हम सभी के बढ़ते कदम को देखते हुए सीबीएसई ने खुद डर के ये रिप्लाई दिया है। और यहाँ पर बात क्लियर भी करनी थी, बिकॉज आप सभी को पता होगा जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट बोर्ड हैं, वो अपनी एग्जामिनेशन कैंसिल कर रहे हैं। चाहे बिहार बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड ने ऑलरेडी अपने एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी हैं। आप सभी को पता है जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी को पास किया गया है। और बात करें यार तो तेलंगाना की बात करें, वहाँ पर भी जितने भी बच्चे थे उन सभी को पास किया गया, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन पूरी तरह कैंसिल किए गए हैं। तो गाइस अब आप तैयारी करें अपनी आगे की स्टडी के लिए, बिल्कुल भी डिले ना करें, तैयारी स्टार्ट रखें, पढ़ाई करते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, ताकि आपकी जो आगे की जर्नी है वो और सिंपल हो पाए। और यहाँ से आपके फेवर में ही बात आने वाली है, इसके लिए मैं श्योरिटी पूरी तरह, बिकॉज जहाँ तक मैंने जितनी भी रिपोर्ट पढ़ी है अभी तक, और वहाँ से पूरी तरह क्लियर हो रहा है कि आपके अब एग्जामिनेशन पर रुख जल्दी ही क्लियर होने वाला है। और 14 तारीख को हम देखेंगे भी कि शायद आपके फेवर में बात वहाँ पर क्लियर हो जाए। बिकॉज कह नहीं सकता यार कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब तक आता है, क्या पता उस सुनवाई में बात ना हो और कुछ आगे डिले हो जाए। तो इस पर मैं श्योरिटी नहीं हूँ, बट श्योर इस बात पर हूँ कि आपके एग्जामिनेशन हैं वो कैंसिल होंगे। बिकॉज आप सभी जानते हैं, जितने भी बच्चे हैं और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे फिर बात करें न्यूज़ चैनल्स की, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं यार, सभी लोग आपके सपोर्ट में हैं। तो यहाँ पर कोई रुख नहीं बनता सीबीएसई का कि आपके एग्जामिनेशन हो, ठीक है। इस पर बात करें आगे, आपके मनीष सिसोदिया सर, वो भी पूरे सपोर्ट में आए हैं बच्चों के। फिर पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने भी पूरी तरह क्लियर किया कि एग्ज़ामिनेशन नहीं होने चाहिए। तो सभी ने सीबीएसई का विरोध किया है यहाँ पर कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करना कोई भी सही डिसीजन नहीं है। तो यार आप सभी मान सकते हैं कि किस प्रकार का दबाव पड़ रहा है सीबीएसई पर। इसी कारण उन्होंने अब सीधे तौर पर यह कह रखा है कि अब जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। और ये आर्टिकल आपको अवेलेबल है टाइम्स ऑफ इंडिया पर, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो सीबीएसई की जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर भी ये बात कही गई है, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं गाइस, जैसी एक और अपडेट आती है आप सभी के साथ में शेयर की जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। बस बने रहिए हमारे चैनल पर यार, सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी आपकी आवाज़ है हम उठा सकें एक बड़े लेवल पर और बात हो पाए आपके फेवर में। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों। और यार स्टडी पर फोकस पूरी तरह रखें, बस यही। चलिए मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में।